4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक में रणनीति बनाई है। वहीं विधायी एजेंडा भी तय किया गया है। संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता हुए शामिल। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 दिनों में 15 दिन बैठकें होंगी और इंतजार है शीतकालीन सत्र के शुरू होने का, क्योंकि इससे पहले एक विशेष सत्र भी बीच में बुलाया गया था। इस दौरान महिला शक्ति मातृवंदन शक्ति अधिनियम बिल प्रस्तुत किया गया था और फिर वो पास भी संसद से हो गया था, जिसकी चर्चा हुई थी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए चुनाव में, और जो सीटें हैं उनमें जो भागीदारी महिलाओं की बढ़ाने के लिहाज से वो बिल रखा गया था और पास हुआ था। अब निगाहें हैं शीतकालीन सत्र को देखते हुए, रणनीति तैयार की गई है। सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, कौन कौन से विधेयक हैं जो रखे जाएंगे, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद रहे, और काउंटर कैसे किया जाएगा जब विपक्ष घेरेगा, इसको लेकर के भी रणनीति तय की गई। चार तारीख से विंटर सेशन शुरू हो रहा है, 22 तारीख को समापन हो रहा है। 19 डेज प्रेडोर में 15 सिटिंग्स है और आज परसों से जो शुरू होने वाला है सत्र में ध्यान में रखते हुए ऑल पार्टी मीटिंग, हमारे वरिष्ठ नेता और लोकसभा में हमारे उपनेता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में हमने बुलाया था। तो मीटिंग में 23 पार्टी का 30 लोग हाजिर हुए थे, 23 पार्टीज, 30 लीडर्स हैड अटेंडेड। कई सजेशन आए हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कॉलिंग अटेंशन के लिए और जीरो ओवर के लिए, ऐसे कुछ उनका डिमांड है। जीरो ओवर तो हम चलाते ही आए हैं, दोनों सदनों में जीरो ओवर तो हम ऑलमोस्ट 99% रेगुलरली हमने चलाते आए हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का भी चर्चा चला है, लेकिन हमने इतना ही कहा है शॉर्ट ड्यूरेशन जब चर्चा आप चाहते हो, आप स्ट्रक्चर डिबेट के लिए एक माहौल बनाए रखना भी आपका जिम्मेदारी है। ऐसे हम भी निवेदन किए, हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आपको नियम और प्रोसीजर है, प्रोसीजर पालन करते हुए आपको चर्चा करना चाहिए। हम भारत सरकार तैयार है, ये भी हमने आश्वस्त उन लोगों को किया है। देखिए, वो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली का उल्लेख है आर्टिकल में, पुदुचेरी का उसमें उल्लेख नहीं है और J&K उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना है। तो J&K यूनियन टेरिटरी और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से बिल आ रहा है, आपको अभी जानकारी दी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बहुत बड़े बहुमत से, कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं। जी, मैं तो फील्ड में रहा हूँ पूरा, कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको, आप देखना, कल जब रिजल्ट आएंगे तब हम आपके बीच में रहेंगे, आप हमें बुलाना। देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। मैंने खुद वहाँ पे बहुत समय बिताया है, मैंने खुद देखा है कि जमीनी सच्चाई क्या है, और मेरा पूरा विश्वास है कि कल हमारी सरकार राजस्थान के लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, कल उनको अपनी ये सारे शब्दों को वापस लेना पड़ेगा, तो एक और दिन रुकते हैं और फिर देखते हैं कि कल क्या सच्चाई निकलती है। भाजपा से हम विभिन्न प्रकार की बातें हम सुन रहे हैं।